मैं अभी समझा कि आप कश्मीर से आए हैं, अच्छी बात है। तो आप लोगों को मलयालम अब तक कोई समझाया नहीं, सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहा कि पहली बात आपको पता है कि यह समस्त का जो बहुत बड़ा नेता था, जो हमारे उस्ताद के पहले विद्यार्थी भी था, उनका देहांत हो गया, और इस दुखित बात के लिए हम सब हमारे हृदय को भी आपके साथ रखना चाहते हैं कि आपके दुख हम भी समझ सकते हैं और हम भी महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो मेरे बारे में कह के हमें यहाँ बुलवाया था, वो मेरे लेख मेरे भाषणों के बारे में कुछ कहा, तो मैंने कहा कि मैं अभी मेरा 24वां किताब निकाला है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा था, उसने हमारे जो संविधान है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका तो नेतृत्व देके बहुत अच्छे चीज़ें लिखे थे। लेकिन एक चीज़ मुझे याद आया आज आप सब लोगों के सामने, भाईचारा, कि जो भी आपके मजहब हो, जो भी आपकी जाति हो, जो भी भाषा आप बोलते हैं, अंत में हम सब एक है, हम सब भाई है, और भाईचारा के साथ इस देश में जीना है। तो ये है जो मलयालम में सहोदार्यम कहते हैं और हमारी हिंदुस्तानी में अब भाईचारा में जाना जाता है, इसके साथ हम जीने चाहिए। और आप लोग यहाँ पढ़ के बड़े होके हमारे देश की सेवा और अब आपके समुदाय की सेवा बहुत अच्छी तरह से दुनिया को बेहतर करने के लिए काम करते रहिए भाईचारे के साथ। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।